हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। तो बाबा इस वाक्य में ये इन शब्द किसके लिए बोला है? किसके लिए बोला है? राम और कृष्ण वाली आत्माओं के लिए बोला है। अगर सिर्फ कृष्ण के लिए बोला होता, ब्रह्मा के लिए बोला होता तो इस बोलते, लेकिन इस एक वचन है और इन बहुवचन है, कम से कम दो चाहिए। तो राम और कृष्ण दोनों के लिए बोला कि सदैव समझना चाहिए कि हमें डायरेक्शन किसके द्वारा मिलते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा डायरेक्शन नहीं है, उनके द्वारा डायरेक्टर नहीं है। किसके द्वारा डायरेक्टर है? राम और कृष्ण के द्वारा डायरेक्शन देता है। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन न समझ, मनुष्य का डायरेक्शन समझा, बल ये दोनों मनुष्य हैं जिनके द्वारा डायरेक्शन देता हूं, उनके द्वारा दिए गए डायरेक्शन को अगर ईश्वर का डायरेक्शन नहीं समझा तो मुझ पड़ेंगे। बाप कहते हैं मेरे डायरेक्शन पर चलो। ये मेरे किसके लिए बोला? कौन सी आत्मा के लिए बोला है? अरे शिव बाबा के लिए बोला, एक छोटा सा बच्चा भी जानता है ना। राम के लिए बोला ना, कृष्ण के लिए बोला। डायरेक्शन देने वाली आत्मा कौन? शिव बाबा। राम डायरेक्शन देने वाला है? कृष्ण वाली आत्मा डायरेक्शन देने वाली है? नहीं, वो तो पार्ट बजाने वाले रंगमंच पर एक्टर हैं। डायरेक्टर तो पर्दे के पीछे खड़ा रहता है और वहां से बोलता रहता है धीरे धीरे, एक्टर्स को डायरेक्शन देता रहता है, ऐसे ऐसे बोलो। तो डायरेक्टर तो दिखाई नहीं देता, वो शिव बाबा है, और रामकृष्ण तो देखने में आते हैं। बाप कहते हैं मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। इन द्वारा जो कुछ होता है, ब्रह्मा के द्वारा अथवा शंकर के द्वारा, राम के द्वारा अथवा कृष्ण के द्वारा, जो कुछ होता है अच्छा या बुरा तुम्हारी नजर में, उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। कौन है रिस्पॉन्सिबल? शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल, शिव बाप। उनको हम राइट कर ही देंगे। क्या बल तुम सबकी दृष्टि में वो राइट नहीं कर रहा है? कौन? राम या कृष्ण? जो काम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, तुम्हारी दृष्टि में वो अनराइटियस है, रंग है, परंतु राइट या रंग जो कुछ भी इनके द्वारा होता है उसका जिम्मेवार
मैं हूँ। उनकी एक्टिविटी को हम राइट कर ही दूंगा, माने आगे चल करके तुमको पता चलेगा कि जिसको हम अनराइट ये समझते थे, रंग काम करना समझते थे, वो रंग नहीं, वो भी राइट साबित हो गया। तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो। तुम माने कौन है? तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो। तुम माने कौन है? हाँ, जो भी सन्मुख बैठने वाले रुद्रमाला के या विजयमाला के बच्चे हैं उनके लिए बोला नंबर वार कि तुम हमारे डायरेक्शन पर चलो। मेरे आने का पार्ट एक ही बार संगम पर है, ऐसे भी नहीं तुम्हारे बुलाने पर आता हूं। तुम तो जन्म जन्मांतर बुलाते आए, मैं आया क्या? नहीं, जब मेरे आने का समय होता है तो एक सेकंड ना ऊपर ना एक सेकंड नीचे, एक्यूरेट टाइम पर आ जाता हूं। मुझे आर्गन्स ही कहां है कि तुम बुलाओ, आवाज करो, हे पतित पावन बाप आओ, तो मेरे तो कान आरूपी आर्गन्स है ही नहीं, मैं कैसे सुनूंगा? जब समय होता है तो आकर के पतितों को पावन बनाता हूं। ऐसे नहीं कि आता हूं और ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुना के चला जाता हूं। आता तो हूं, लेकिन आने का उद्देश्य क्या है? ज्ञान सुनाना उद्देश्य नहीं है, पतितों को पावन बनाने के लिए आता हूं। पतितों को पावन बनाता हूं ऐसे नहीं कि तुम्हारी रड़ियां भगवान सुनते हैं, हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ। अब इसमें समझाने की न समझने की क्या बात रह गई? क्या बात समझ में नहीं आई इस वाक्य में है? अरे, पूछने वाले ने पूछा है इसका अर्थ समझाओ, तो क्या अर्थ नहीं समझ में आया है? युपति कान कान नहीं गया भी नहीं, शरीर नहीं था। हाँ हाँ, वो बुलाने से आता ही नहीं। समय की सुई जब रिकॉर्ड पर पहुंचती है तो बोलने वाला बोलता है। समय की सुई माना ड्रामा है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए बांधा हुआ नहीं हूँ, मैं अपने पार्ट में बंधा हुआ हूं। जैसे तुम आत्माओं का टाइम होता है तो परम धाम से आती हो और जन्म जन्मांतर अपना पार्ट बजाती हो, फिर पतित हो जाते हो तो बाप आते हैं,
तुमको पावन बनने का रास्ता बताते हैं। सिर्फ रास्ता ही नहीं बताते, लेकिन तुम पतितों को पावन बनाकर ले जाते हैं। सारी दुनिया को नहीं, तुमको। आंखों पर बिठा कर ले जाता हूं। इससे ज्यादा श्रेष्ठ हिंदी तो कोई भी नहीं है। सबसे ज्यादा श्रेष्ठ इंद्रिय कौन सी है और सबसे ज्यादा धोखेबाज इंद्रिय कौन सी है? तो आंखों की पलकों पर बिठाकर तुमको ले जाता हूं। इसका अर्थ हुआ कि आगे चल के बाबा ऐसी तीखी दृष्टि देंगे, तुम्हारी आत्मा इधर से उधर टस से मस नहीं हो सकेगी। अभी तो दृष्टि लेते लेते झोंका मार देते हैं। छुट्टी मांगो बुलाने के लिए। अमृत वेले की पुरुषार्थ कैसा होनी चाहिए बाबा? अमृत वेले ही बुलाना है और टाइम पे नहीं बुलाना है। जैसे मुसलमान लोग होते हैं, 5 टाइम नियत कर दिए सारे दिन में, वो 5 टाइम ही अल्लाहु अकबर। तो ऐसे तुमने टाइम नियत कर दिया क्या? जिसके प्रति लगन होती है वो दिल इसको हमेशा बुलाता ही रहता है। और हर बात का मतलब ही मतलब नहीं समझ में आ रहा है। रामचंद्र जी ने जीत नहीं पाई इसलिए उनको क्षत्रिय के निशानी दी है, इसका क्या मतलब है बाबा? अरे जीत किस बात पे नहीं पाई है और कब जीत नहीं पाई है? पाई माने पास्ट की बात है। यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा ने विकारों पर जीत नहीं पाई और जीत पाए बगैर ही शरीर छोड़ दिया, तो फेल कहेंगे पास कहेंगे? अच्छा राम की आत्मा की बात छोड़ दो, कृष्ण वाली आत्मा ने विकारों पर जीत पाके शरीर छोड़ा या जीत पाए बगैर ही शरीर छोड़ गए? हैं? हैं? कृष्ण वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा 68 में जब शरीर छोड़ा, 69 में, तो जीत पाकर के शरीर छोड़ा, विकारों पर जीत पा लिया फिर शरीर छोड़ा या जीत पाए बगैर ही शरीर छोड़ चले गए? अरे हैं, जीत नहीं पाई, क्योंकि मुरली में बोला है योग बल वाले का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता और उनका तो हार्ट फेल हो गया। तो योग बल में फेल हुए या पास हुए?
फेल हो गए। तो राम ने भी जीत नहीं पाई और कृष्ण ने भी जीत नहीं पाई, फिर पाई किसने? जो चंद्रवंशी बने। है? अरे अब तक किसी ने जीत पाई? लक्ष्मी ने जीत पाई, लक्ष्मी ने ज्ञान लिया जीत पाने का। घर ग्रस्त में रहते गृहस्थी जीवन बिताते हुए पति पत्नी दोनों साथ में रहते हुए विकारों पर जीत पाना है, या भाई बहन दोनों साथ में रह करके दिखाएं, साथ में खाएं, साथ में सोएं और जीत पा करके दिखाएं? तो किया लक्ष्मी ने है? नहीं किया। क्यों? न लक्ष्मी ने किया ऐसा, न कृष्ण ने किया, न राम ने किया, किसी ने जीत नहीं पाई। इसलिए सतयुग का कोई भी देवता ऐसा नहीं होता जो त्रेता में जाके क्षत्रिय न बने, चंद्रवंशी न बने। माना माया सबको क्या कर देती है? सबको फेल कर देती है। माया किसी को छोड़ती नहीं। अगर लक्ष्मी के लिए कहें तो लक्ष्मी ने बाप को ही कहां पहचाना जो जीत पाने की पढ़ाई पढ़े। पहचाना क्या? पहचाना ही नहीं। हाँ, जिन्होंने बाप को पहचाना है उनके लिए ये डायरेक्शन दिया बाप दादा ने, क्या करो? विजयमाला का आवाहन करो तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। ये अंधे और लंगड़े की कहानी है। अंधा तो अंधा है ज्ञान का, अज्ञान का, उसमें ज्ञान ही नहीं है तो नदी पार कर लेगा? हाँ, ये वैसे बेहतर है, नदी पार कर जाएगी लक्ष्मी? नहीं। और लंगड़ा, वो तो बेचारा लंगड़ा है। अब लंगड़ा है तो विषय बेहतरीन नदी पार कर लेगा? रपट जाएगा गड्ढे में कहीं? तो एक अंधा अज्ञान का माना विजयमाला का हेड, और एक प्योरिटी से लंगड़ा। चलता तो है लेकिन ऐसी हाई जंप लगा के चले ना, ऐसी तीखी दौड़ दौड़े ना जो उदय शंकर डांस मशहूर है, तीन टांग की दौड़ देखी कभी? नहीं देखी। दो की एक एक टांग बांध देते हैं तो तीन टांगे बन जाती हैं, और फिर उनसे कहते हैं दौड़ो, और ऐसे दौड़ने वाले कई एक होते हैं। ऐसी तीन टांग की दौड़ में जो आगे निकल जाए उसको पुरस्कार मिलता है। वो तो हद की दौड़ है,
ये है बाबा की बेहद की तीन टांग की दौड़। क्या शंकर पार्वती को पति पत्नी कहेंगे या भाई बहन कहेंगे? हा? दोनों अभी ब्राह्मण हैं या पति पत्नी हैं? ब्राह्मण हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई कहें तो उदय शंकर डांस मशहूर है। दोनों युगल मिलकर के डांस करते हैं। अस्त शंकर डांस मशहूर नहीं है। कौन सा डांस मशहूर है? उदय ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ऐसा ज्ञान डांस करते हैं युगल जोड़ी में कि उसे ज्ञान के डांस से आत्मा विषय वैतरणी नदी को भी पार कर जाती है। तो बोला कि राम फेल हो गया, माने पास्ट में फेल हो गया। पास्ट में फाइनल पेपर हुआ, मध्य में हुआ या अंत में होता है? तो पास्ट में राम फेल हो गया। अभी फाइनल पेपर में भी फेल हो जाएगा या पास भी हो सकता है? पास भी हो सकता है। अरे तिमाही में छमाही में कोई फेल हो जाए तो फाइनल फेल कहा जाता है क्या? नहीं, फाइनल पेपर तो अभी सबका होना है। राम का भी होना है, कृष्ण का भी होना है, राधा का भी होना है, तो सीता का भी होना है। बाकी अभी तो जो जो सब फेल हो रहे हैं वो सब क्षत्रिय बनेंगे। सत्युग में जाने वाली ऐसी एक भी आत्मा नहीं है जो त्रेता में जाके क्षत्रिय न बने। कहते हैं ना तो मात पिता हम बालक तेरे, तो ये ब्रह्मा माता हो गई तो उनके साथ संबंध रखना चाहिए। अगर उनसे प्यार हो गया तो खेल खलास। किनसे प्यार हो गया? माता से। एक को प्यार करना है या अनेकों को प्यार करना है? एक को करना चाहिए। अगर एक बाप को छोड़ कोई दूसरे से प्यार हो गया तो कहेंगे माम एकम, याद करो ये बात झूठी हो गई, तो वर्षा कैसे पाएंगे? वर्षा तो एक बाप से प्यार चाहिए। एक बाप के मुकाबले और किसी से कोई प्यार न हो। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तब वर्षा मिलेगा। विश्व की बादशाही का वर्षा है और नंबरवार वर्षा पाएंगे
बाकी ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो अब उनसे तो प्यार की बात ही खत्म हो गई। खत्म हो गई या चालू है? हैं? खत्म हो गई? नहीं, अगर खत्म हो गई होती तो ब्रह्मा माने बड़ी माँ और जगत अम्बा माने भी बड़ी माँ, वो ही ब्रह्मा की आत्मा। दाढ़ी मूछ वाली की पूजा नहीं होती, और वो ही जब नारी चोले में प्रवेश करता है, माता में प्रवेश करता है, तो जगदम्बा के रूप में पूजा होती है। इसलिए मुरली में बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए ओम राधे को थोड़े टाइम के लिए निमित्त रख दिया है, बाकी तुम्हारी बड़ी मम्मी कोई और है जिसकी पूजा होती है। तो ब्रह्मा अभी है या नहीं है? है तो, लेकिन प्यार ब्रह्मा से नहीं हो जाना चाहिए क्या? अम्मा की हालत खराब जरूर है, क्योंकि वो सब माताओं की माता है, सारे जगत की अम्बा है, माताओं की हालत खराब, तो जो माताओं की माता है उसकी भी हालत खराब है। तो योगदान तो देना है। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो क्या चिल्लाते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जावेंगे। तो योगदान तो देना है। वो प्रकृति माता है, वो माता भल पतित है, बाप को भी नहीं पहचानती, क्योंकि प्रकृति जड़ है, पहचान कर भी नहीं पहचानती। तो जड़ प्रकृति है, वो ज्ञान से नहीं परिवर्तन होगी, प्यार से परिवर्तन होगी। तो प्यार तो देना है, परंतु आत्मिक रूप में, आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में। बाकी कोई दूसरे संबंध के रूप में प्यार किया तो घाटा आ जाएगा। इसलिए बोला, तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये ब्रह्मा माता हो गई तो उनके साथ संबंध तो रखना चाहिए। संबंध रखा है तो निश्चय पत्र लिख के दिया है, सबने लिख के दिया है, या कोई यहां ऐसा भी बैठा है जिसने निश्चय पत्र लिख के नहीं दिया? अरे है, सबने दिया है, परंतु उनसे अगर प्यार हो गया और बाप के मुकाबले उनसे जास्ती प्यार हो गया, उन्हीं की याद आने लगी, क्योंकि जिससे लगाव लग जाता है उसकी निशानी क्या है? उसकी तरफ बार बार बुद्धि भागती है। तो वर्षा खलास, बाप का वर्षा नहीं मिलेगा। सब अर्थ ही अर्थ बताइए, एक एक महावाक्य उठाते जाएं, इसका अर्थ बताइए, दूसरा महावाक्य मुरली में से पकड़ लो, इसका अर्थ बताइए। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का रथ एक ही है,
तो जरूर शिव बाबा भी खेल तो सकते होंगे ना। क्यों? शिव बाबा ज्ञान रत्नों का खेल नहीं खेलते बच्चों के साथ? खेलते हैं। इसका अर्थ क्या है बाबा बताइए, क्या बताएं? हैं? एक मुरली में बोला है, अव्यक्तवाणी में बोला है, तुम बच्चों को ऐसा खिलौना मिला है जिससे तुम बच्चे खेल सकते हो। ये खिलौना न टूटेगा न फूटेगा और इसकी कीमत भी नहीं देनी पड़ेगी। दुनिया में जो खिलौने होते हैं, चाहे चैतन्य हो चाहे जड़ खिलौने हो, वो तो खरीदने पड़ते हैं पैसे दे करके, और आज खरीदो कल टूट जाए तो खेल खलास। लेकिन ये खिलौना तो टूटने फूटने वाला नहीं है, ये अविनाशी खिलौना है। तो शिव बाबा खिलौना है, शिव बाबा से खेल खेलते हो या ब्रह्मा और राम की आत्मा से खेल खेलते हो? क्या बुद्धि में रहता है? हाँ, ज्ञान के ही खेल, ज्ञान के खेल खेलो या कोई भी खेल खेलो, कोई भी संबंध से खेल खेलो, लेकिन जो भी खेल खेलते हो उस खेल में बुद्धि में क्या रहता है कि हम कौन सी आत्मा के साथ खेल खेलते हैं? अगर ये याद है हम शिव बाबा के साथ खेल खेलते हैं तो बेड़ा पार। और ये बुद्धि में आया कि राम वाली आत्मा के साथ खेल खेलते हैं या ब्रह्मा बाबा के साथ खेल खेलते हैं तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। इसमें भी इसका अर्थ क्या है? सन्यासी लोग शास्त्रों को बहुत मानते हैं, बड़ी गाड़ी में भर करके या ट्रक में भर करके रस्सियां डाल करके फिर सारी परिक्रमा देते हैं। वैसे ही जगन्नाथ में फिर देवी देवताओं के चित्र हैं, उन्हों को भी रथ में बिठाकर परिक्रमा दिलाते हैं। यह उन्हों का मान है, मान सम्मान है परिक्रमा दिलाना। इस परिक्रमा दिलाने से उनका मान सम्मान बढ़ता है, इसलिए रथ यात्रा निकालते हैं। सन्यासी शास्त्रों में भर करके ट्रक में परिक्रमा देते हैं, शास्त्रों का मान देते हैं। इसका अर्थ क्या है बाबा बताइए? ये तो भक्ति मार्ग की रसम बताई। जो भक्ति मार्ग में रसम है वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। संगम युग में कोई आत्माएं जगन्नाथ और बलराम हैं या नहीं है? 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 और उनका रथ है या नहीं है? वो शरीर रूपी रथ है, उस शरीर रूपी रथ में बलराम और जगन्नाथ को बिठा करके ईश्वरीय सेवार्थ चारों तरफ चक्कर लगाते हैं संगम युग में। तो चक्कर लगाए रहे हैं कि नहीं लगाए रहे हैं? है? लगाए रहे हैं। रस्सियां बांध बांध करके शास्त्रों को ट्रक में रखते हैं,
ट्रक माना क्या है? अरे ट्रक माना क्या? ट्रक माने गाड़ी। ये शरीर रूपी गाड़ी है, उस शरीर रूपी गाड़ी में जो मुरलियां हैं, उन मुरलियों का ज्ञान भरा हुआ है, वो ही मुरलियां ही शास्त्र हैं। वो शास्त्र रूपी ज्ञान ब्रह्म वाक्य कहते हैं। ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वो वेद वाक्य उस ट्रक में भरे हुए हैं और उसको रस्सियों से बांधा हुआ है। ताकि वो शास्त्र कहीं रथ दौड़े तो इधर उधर छिटक न जाए। वो रस्सियां कौन सी हैं? है? अरे जो मुरली के महावाक्य हैं, उनको बांधा गया ना, तो कौन सी रस्सियों से बांधा जाता है? है? ज्ञान की रस्सियां कह दो। जैसे जंजीर बनाई जाती है तो एक कड़ी से दूसरी कड़ी उलझाई जाती है, ऐसे ही ये ज्ञान की कड़ियां हैं जिनके जंजीर बना करके एक दूसरे से बांधा गया है। कोई बात छिटक के इधर उधर ना हो जाए, उल्टा सीधा अर्थ ना निकल जाए, सही अर्थ निकले, फिर परिक्रमा दिलाते हैं। वो ही ज्ञान की बातें, वो ही मुरलियों के पत्ते, वो ही शास्त्र। तो ये उन शास्त्रों का मान है, परिक्रमा दिलाने से ही मुरलियों का मान होगा, या ये परिक्रमा बंद कर दी जाए तो मुरलियों का मान होगा? ब्रह्मा के मुख से जो वेद वाक्य निकले, मुरलियां निकली, उन मुरलियों का मान अगर वो रथ परिक्रमा लगाए तो मान होगा, या परिक्रमा लगाना बंद कर दे तो मान होगा? है? परिक्रमा लगाएगा तो मान होगा, नहीं लगाएगा तो अर्थ अर्थ खुलेंगे ही नहीं। अर्थ नहीं खुलेंगे तो फिर अनर्थ हो जाएगा। साकार के 42-43 वर्ष और अव्यक्त के 10 वर्ष, तो 50 वर्ष से भी ऊपर चले गए। इसका अर्थ क्या है? ये वाणी है 78-79 की अव्यक्त वाणी। उसे मैं बोला कि ब्रह्मा के साकार तन में जब आते थे तो कितने वर्ष वाणी चलाई? अरे जल्दी बताओ। है? ब्रह्मा के साकार तन में कितने वर्ष वाणी चलाई? 18। अरे दो रथ हुए ना साकार में, एक पीयू और एक ब्रह्मा, दोनों ही ब्रह्मा थे, तो कितने वर्ष वाणी चली?
है। अरे 68 तक वाणी चली ना लगातार, संघ 36 से ही वाणी चली ना। तो साकार के द्वारा कितने साल हुए? 33 ईयर्स। उसके बाद साकार के द्वारा वाणी चली या नहीं चली है? गूंगा रहा या वाणी चली? शिव बाबा ने बोलना बंद कर दिया, बोलती बंद हो गई ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद, या जंगल में एक शेर गया तो दूसरा शेर आ गया है? आ गया। ब्रह्मा की आत्मा गई तो राम वाली आत्मा 69 में आ गई। तो गूंगी थी क्या? बोलती थी कि नहीं बोलती थी? भले कोई पहचाने या न पहचाने, बोलता तो था। तो जो बोलता था वो साकार की वाणी कहेंगे या निराकार की वाणी कहेंगे? है? साकार की ही वाणी कहेंगे। जरूर कुछ नई बात बोलता होगा। शिव बाबा आते हैं तो नई बात सुनाते हैं या पुरानी पुरानी शास्त्रों की बातें ही सुनाते रहते हैं? नई बातें सुनाते हैं। तो 18 जनवरी के बाद ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया। उसी वर्ष में राम बाप वाली आत्मा ज्ञान में आ जाती है। ऐसे नहीं शिव बाबा चले जाते हैं, शिव बाबा तो रहते हैं ब्रह्मा के तन में नहीं। तो कौर और दूसरे तन द्वारा वाणी चलाऊंगा, जिसके तन में वाणी चलाऊंगा उसका नाम रखूंगा ब्रह्म। तो उस समय बल प्रत्यक्ष नहीं हुआ लेकिन वाणी तो चली ना। तो 69 से लेकर के 78-9 तक 10 वर्ष हुए। वो 10 वर्ष साकार में ऐड करेंगे या नहीं है? ऐड करेंगे। तो 33 वर्ष में 10 वर्ष और जोड़े, इतना आया 42-43। ये साकार के 42-43 ईयर्स हो गए। उसके बाद 77 में संपूर्णता वर्ष मनाया गया, अर्थात जो साकार था वो निराकारी स्टेज को पकड़ गया। तो निराकार कहेंगे या साकार कहेंगे? निराकार हो गया, आकार ही हो गया। मनन चिंतन मंथन तेजी से चलने लगा, बाहर प्रत्यक्ष होने लगा बच्चों के सामने या गुप्त रहा, बाहर आ गया। तो कहेंगे उस साकार बात खत्म हो गई, वो निराकारी हो गया। तो बोला साकार के 42-43 वर्ष और अव्यक्त के 10 वर्ष, माने ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गया या व्यक्त रहा? अव्यक्त हो गया, गुलजार दादी में अव्यक्त पार चला। तो 69 से लेकर के 78-79 तक 10 वर्ष हुए। तो अव्यक्त के 10 वर्ष तो 50 वर्ष से भी ऊपर चले गए। तो बाबा ने रिजल्ट पूछा कि रिजल्ट क्या रहा, इतने साल बीत गए साकार में पार्ट बजाते बजाते और अव्यक्त में पार्ट बजाते बजाते।
सभी तेरे पर सदके जावेंगे। प्रभाव निकलना तो है ना, अभी तो तेरा बहुत सामना करते हैं क्योंकि तुम सभी के दुश्मन हो। क्या क्यों सामना करते हैं? क्योंकि तुम सभी के दुश्मन हो, सभी का विनाश कराए तुम राजाई ले लेते हो। ये क्या सभी में बाबा के बच्चे भी आ गए क्या? हैं? नहीं। अरे सभी का विनाश कराए माने स्थूल विनाश की बात नहीं है, सभी के पद का विनाश हो जाता है, पद नीचा हो जाता है और तेरा पद ऊंचा हो जाता है। इसलिए बोला अभी तो तेरा बहुत सामना करते हैं क्योंकि तुम सभी के दुश्मन हो, सभी का विनाश कराए तुम राज्य ले लेते हो, तो तेरे दुश्मन बनेंगे ना। इसमें भी पहले घर के दुश्मन बनेंगे, बाहर की दुनिया वाले बाद में, पहले घर के दुश्मन बनेंगे, बाबा के भी घर वाले मित्र संबंधी आदि ब्रह्मा बाबा के दुश्मन बने थे ना, तो जो आदि में हुआ वो अंत में तेरे साथ भी होगा। इसका अर्थ क्या है बाबा बताइए? बाबा रामायण में जनक महाराज को दिखाया है कि उनको सोने की पेटी में सीता मिली। कोई सोने का घड़ा दिखाते हैं तो घड़ा कहो या पेटी कहो किस बात की यादगार है? घड़ा बुद्ध रूपी घड़े की यादगार है। जैसे बाबा कहते हैं सोने की डबली में हीरा रखते हैं, और उसको गुप्त करने के लिए गुदरी में छिपाए देते हैं, तो डबली या पेटी किस बात की यादगार हुई? हैं? शरीर रूपी पेटी हुई। अब बुद्ध रूपी घड़ा तो होगा ही उसमें, तो मन बुद्धि रूपी जो घड़ा है जो शरीर रूपी पेटी में रहता है वो मन बुद्धि रूपी आत्मा सच्ची आत्मा है या झूठी आत्मा है? है? सच्ची आत्मा है। सच्चाई को ही सोना कहा जाता है, इसलिए रामायण में दूसरी जगह भी दिखाया है कि जब पंचवटी में राम माया रूपी हिरण को मारने गए तो उन्होंने असली सीता को छुपा दिया, कहा तुम पावक में करो निवासा, योग अग्नि में रहो, याद में रहो, तब तक मैं इन असुरों का विनाश करता हूं, और उस असली सीता की जगह सोने की सीता बना के रख दी, उसमें प्राण फूंक दिए, तो वो सोने की सीता कौन हुई? जगदम्बा।
यही बात यहाँ दिखाई गई। चलो ओम शांति।